दर्शकों, एक चौंकाने वाली वीडियो हमें सूत्रों से मिला जहां पुलिस ने नौजवान लड़के को थप्पड़ मारा। ये घटना 22 सितंबर 2024 की रात को ईटानगर के गालो बाप्टिस्ट चर्च के रास्ते पर घटित हुआ, बताया गया है हमारे सूत्रों के मुताबिक। और कहा जा रहा है कि पुलिस ने सेफ्टी चेक और पेट्रोलिंग के दौरान एक नौजवान युवक पर हाथ उठाया। सूत्रों के मुताबिक ये घटना तब हुई जब पुलिस चेकिंग और पेट्रोलिंग कर रहे थे। सूत्रों का ये भी कहना है कि पुलिस सिर्फ टू व्हीलर्स को ही रोक रहे थे, जबकि फोर व्हीलर्स को बिना किसी चेक के जाने दिया जा रहा था। इस वजह से टू व्हीलर्स के यात्रियों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। अब सवाल उठा है कि क्या पुलिस का ये व्यवहार सही था? पुलिस का फर्ज है कि वो समाज को सुरक्षा और सुविधा प्रदान करे, ना कि आम जनता को डर और परेशानी में डाले। एक औरत या आदमी को थप्पड़ मारना या अननेसेसरीली पुलिस की तरफ से टेरर क्रिएट करना, क्या ये उसका फर्ज के दायरे में आता है? क्या पुलिस को हमें प्रोटेक्ट करने के बजाय हमारे लिए डर का कारण बनना चाहिए? जनता को पुलिस से ये उम्मीद होती है कि वो उनके रखवाले होंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन ऐसे हालत जहां पुलिस का हाथ उठाना या असंवेदनशील व्यवहार सामने आता है, वो जनता के मनोभवों को ठेस पहुंचाता है और पुलिस और जनता के बीच का विश्वास कमजोर होता है। क्या ऐसे इंसिडेंट से पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, या फिर वो उन लोगों को डराने के लिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको वो प्रोटेक्ट करने के लिए वचनबद्ध है? इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए ये जरूरी है कि पुलिस अपने काम को जिम्मेदारी से करे और ऐसे हालत से बचे जो जनता के मन में डर या असुरक्षा का भाव पैदा करे। जनता को सम्मान और सुरक्षा मिलना उनका हक है और पुलिस को अपने फर्ज का पालन करते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी कई घटना देश के अन्य राज्यों में भी आए दिन देखने को मिलते हैं, जिसमें कई बार पुलिस पर एक्शन होता है और कभी कभी तो पुलिस अपने किए पर शर्मिंदा भी होते हैं, जिससे वो आगे जाकर माफी तक। फिलहाल यहाँ क्या होता है ये बात तो आगे जाकर ही पता चल पाएगा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पुलिस इस घटना पर अफसोस कर रही है। दर्शकों, इस घटना की वीडियो को लेकर आपका क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।